आज तो भाई साहब मतलब बाइक सी बाइक सा रखी है मॉडिफिकेशन के लिए भर भर के। इसको अभी लाइट को जला के दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। देखो थोड़ा सा अंधेरा है तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रीट लाइट जल रही है, बट पेड़ के चल के खा हुआ है तो अभी इसको जला के दिखा दो। रेडी 1 2 3 यो हो। हाल चाल तो अभी कैसे हैं सारे। आज का व्लॉग और स्पेशल होने वाला है एक्चुअली, क्योंकि Z800 का मॉडिफिकेशन और जो पेंडिंग रहता था, जैसे कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैंने सर्विसिंग कराई थी, तो मैंने सर्विसिंग के टाइम पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया था सर्विस सेंटर में ही, तो उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। सो आज है सैटरडे और सैटरडे को फाइनली थोड़ा सा फ्री रहता हूँ मैं, बट ये बिजी ट्रैफिक रोड्स क्या कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। सीन अभी कुछ ऐसा है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ STRZ Mods, तो जो कि है BTM में, तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे मैं रहता हूँ। अभी मैंने Z800 के लिए 2 लाइट्स देख के रखी है, ऑक्सिलरी लाइट्स देखी है जिसका थ्रो अच्छा है एंड प्राइस भी विदिन 10,000, मतलब आप लोगों को फिटिंग स्विच वायरिंग एवरीथिंग वो सारी चीज़ें पड़ जाएंगी। और उसके अलावा मेरे को क्लैंप किट लेनी पड़ेगी या फिर बनवानी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा बस लंबा पछड़े वाला काम है क्योंकि अपने को पता नहीं है यार, मतलब कहाँ से बनेगी कैसे बनेगी। उन्होंने बोला तो है एक जगह कहीं पे वेल्डिंग शॉप है, वो लोग बना के दे देते हैं, छोटा सा प्लेट सा रहेगा बस उसको कट करना है एंड कहीं पे तो सजेस्ट करेंगे वहीं पे जाके लगवा लेंगे हम लोग। मेरा मेजरली प्लान है ये जो फ्रेम स्लाइडर्स है इसके ऊपर लगवाने का, तो देखते हैं यार। मतलब अभी मेन तो अपना पंगा ये है कि क्लैंप किट Z800 का कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब प्री बिल्ट वाला, और अगर मिलता भी है तो उसका लाइट्स कौन सा फिट हो पाएगा उसमें ये भी नहीं पता है, क्योंकि जो क्लैंप किट हैं ऑलरेडी 3-4 हज़ार के आ जा रहे हैं और उसके हिसाब से फिर लाइट्स वाइट जो होगी वो भी बड़ी महंगी महंगी वाली पड़वानी पड़ती है, तो मेरा भाई उतना बजट तो नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ ऐसी बजट में जो कि बेस्ट हो, अपना नॉर्थ ईस्ट राइड का भी निकल जाए और बाकी जो हम लोग अर्ली मॉर्निंग राइड्स करते रहते हैं वो वाला भी सीन कम्प्लीट हो जाए। ये दो ऑप्शन है, एक मैडॉक का है एक अपने पास ये वाला जो SGG का है, इसमें लुक वाइज तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को वैसे, और इसका साथ में कवर आया था इसका, लुक सी कौन सा फाइनल करना है क्योंकि मैडॉक का एक्चुअली क्वालिटी अच्छा रहता है। With fitting it will cost you, HJG will cost you 5850. Okay. Maddox Cowtex will cost you 5750. Which harness you are taking? Which one is it? Harness Pro only you go. This one? Because Z800 now. Okay. Switch Pro only you want, right? 9198. Okay. 3000 difference. Okay. तो अभी अपने को यहाँ से एक शॉप पे जाना है जहाँ पे अपने को क्लैंप किट बना के मिलेगी, तो वो चीज़ ज़रूरी है, उसको फिट करने से काम बन जाएगा। तो वहाँ से मैं जा रहा हूँ मारुति नगर। मारुति नगर में एक्चुअली एक गैस वेल्डिंग शॉप है, वो लोग क्लैंप बनाते हैं यहाँ पे, इन लोगों का टाइप नहीं बोल सकते वैसे, मतलब इनके लिए काफ़ी क्लैंप्स बनाए हैं, तो वो चीज़ करवानी है। क्लैंप एक बार बन गया तो सही हो जाएगा। तो अभी जो मैंने फाइनल किया है दैट इज़ मैड डॉग, तो आप लोगों को डिटेल जो प्राइस रहेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। तो जो प्राइस मेरे को लग रहा है दैट इज़ 9000 और प्लस मेरे को हेला का हॉर्न लगवाना है।
कावासाकी के बहुत सारे मॉडल्स में ये प्रॉब्लम है कि काम करना बंद कर देता है हॉर्न, तो एंड मोमेंट में जब हॉर्न मारोगे ना तो नहीं लगेगा। देखो जैसे अभी काम कर रहा है, बट अभी जब मैं चाहूँगा, जब कोई कट कर रहा होगा तब नहीं काम करेगा। वहाँ पे ये HS गैस वेल्डिंग, ओके ये वाला शॉप है भाई, ये बना के दे देगा अपने को। तो क्लैंप बनाना है उसका, वो मैट डॉग का लाइट से रहता है ना, मैट डॉग का लाइट रहता है ना, उसके लिए बनाना है इधर साइड से। वेल्डिंग शॉप से एक क्लैंप प्लग बनवा लिया मैंने, एक यहाँ से जाएगा, एक इधर पे यहाँ ऐसे लग जाएगा, तो उस पर बेसिकली अपना जो लाइट है वो माउंट हो जाएगा। यहाँ से निकलते हैं और अभी फिटिंग करवाते हैं। तो छोटा छोटा सा चीज़ है यार, मतलब ये सारे काम करवाने एक्चुअली यही चीज़, अगर क्लैंप ऐसे बाहर से बनवाते हो मतलब, या फिर ओरिजिनल वाला लेते हो, तो उसमें सीन ये हो जाता है कि एक तो आपको फालतू का प्राइस पड़ेगा, एंड इवन फिटिंग विटिंग आई नो देख के रखते हैं, बट वही चीज़ आती है यार, मतलब जितने का लाइट है उतने का ही बराबर का क्लैंप देते हैं, तो वो फिर उस चीज़ में काम ख़राब हो जाता है। यो तो आ गए अभी हम लोग यहाँ पे शॉप, जल्दी से काम वाम निपटाते हैं यार, लंबा लंबा काम लग जाता है। ये देखो बाइक भर गई है आज तो, आज तो भाई साहब मतलब बाइक्स ही बाइक्स आ रखी है मॉडिफिकेशन के लिए भर भर के। अभी अपना बाइक का काम शुरू हो चुका है, एंड ये सारे जो हैं पार्ट्स अपने बाइक में अभी लगने वाले हैं। तो मॉडिफिकेशन के लिए एक तो ये हो गया अपना स्विच, 1599 इज़ द प्राइस फॉर दिस स्विच, तो एक ये वाला अपना फिट होगा। उसके अलावा ये वाला हेला का हॉर्न है, जो कि अपना जो स्टॉक वाला है वो काम नहीं करता, तो उसकी वजह से एक ये वाला लगेगा। और इसके अलावा जो अपने बाइक में जो लाइट्स लग रही है, विच इज़ दिस वन मैट डॉग की, तो इसको ऐसे ही लगवाएंगे। एंड हार्नेस किट है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगना शुरू हो चुकी है, तो इसका लाइट का प्राइस है 5750 फॉर टू, मतलब दो का पेयर आ जाता है। एंड उसके अलावा दिस इज़ द हार्नेस किट, जो वायरिंग आती है मैट डॉग की, और इसका प्राइस है 1499। तो ओवरऑल जो है ना सारा मैट डॉग का है, कंपैटिबल है, तो अच्छा रहता है, उससे ना वायरिंग का इशू नहीं आता है, तो दैट इज़ द मेन थिंग। सो भाई लोग अपना मन तो बड़ा था अपना चेहरा भी दिखाने का, बट अभी सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, इसलिए मैं हेलमेट के अंदर से ब्लॉक कर रहा हूँ। तो ये जो क्लैंप है ये मैंने बनवाया है, ये इन्होंने पेंट कर दिया है, एंड दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। तो अभी ठीक है, यहाँ पे लाइट लग जाएगा, ये जब वाइजर इधर पे जाएगा ऐसे करके तो यहाँ पे लाइट लगेगा, सो दिस इज़ गुड एक्चुअली। लाइट वाइट बराबर से आ जाएगी, देखेंगे कैसा है, और उसके बाद में वो जो हॉर्न का है वो फिटिंग कराना है। तो फिटिंग विटिंग तो यहाँ पे आ जाओ मस्त हो जाता है, मतलब प्रॉपर से वायरिंग जो भी करना होता है बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाला टाइप सा वायरिंग कर देते हैं। सो गाइज अभी अपने बाइक में लाइट तो फिट हो चुकी है, जो है ऑक्सिलरी लाइट मैंने आगे यहाँ पे लगवाई है। इसका कुछ सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से अंदर से इन्होंने वायरिंग की है, ये मैट डॉग का स्विच है जो यूज़ हो रहा है अभी, एंड इसके बाद में यहाँ पे जो इन्होंने पूरा प्लग एंड प्ले वाला यूनिट बना दिया है, यहाँ पे प्रॉपर से सेटअप हो चुका है। और इसको अभी लाइट को जला के दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये अभी ऑन होता है, तो यहाँ से इसका ऐसा थ्रो है कुछ, तो ओवरऑल जो है ना लाइट का ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। और ये वाला जो है ये फ़िल्टर्स ये बेसिकली चेंज कर सकते हो, तो ये अभी ऐसे वाइट हो गया है, और येलो वाले में एक्चुअली विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए मैंने अभी लगा रखा है। देखेंगे अभी नाइट में राइड करके, क्योंकि अपने को कभी कभी नाइट राइड करना पड़ जाता है, तो उसके चक्कर में पता नहीं लगता है कि कैसा है। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपना बाइक का सारा काम हो चुका है फाइनली। टाइम हो गया है कितना, बाप रे 6:30 बजने वाला है, तो पूरा दिन लग गया एक्चुअली, यही होता है वैसे, बट ऑब्वियसली जो काम था ओवरऑल, जो जितना भी परफेक्ट राइड के लिए हो सकता था वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी कुछ बाकी नहीं है, एक चीज़ बस और बाकी रहेगी कि ये देखो JG का लाइट यहाँ पे ऐसे थ्रो कर रहा है, तो एक चीज़ एक बाकी रहेगी बस, एक टैंक रिंग लगेगा, एंड देन अपने को मिल जाएगा JV का बैग।
तो अभी अपनी बाइक फाइनली जब निकल जाती है देन उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। लाइट वाइट तो हो चुकी है। चलो भाई लोग, तो अपना काम तो हो चुका है फाइनली, अभी यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी हद तक जो अपना बाइक का जो काम पेंडिंग था वो हो चुका है। पैसा ही पैसा खर्च होता है भाई। तो फिर अपना काम हो गया फिक्स, और यहाँ से अभी आप लोगों को थोड़ा सा कहीं अंधेरा वाला एरिया था तब जाके दिखाता हूँ तो ज़्यादा पता लगेगा। ये है अपना ऑक्सिलरी लाइट का जादू दिखाने का। तो अभी रेडी, 1 2 3 गो। तो ऐसा है कुछ अभी सीन, और बहुत ही मस्त वाला लाइट वाइट आ रहा है। अभी रोड का विजिबिलिटी बढ़ गया है बेसिकली, तो अपने को राइड करने में टेंशन नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब पहले तो बिल्कुल ही स्टॉक वाला लाइट में आप लोगों को पता ही है, देखो कैसा है ये, ऐसा है ये स्टॉक लाइट है। हाई बीम नहीं है, अभी हाई बीम ऑन करता हूँ तो ऐसा हो जाता है, उससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। और अब है यहाँ पे मैजिक, तो मैड डॉग का लाइट्स, वायरिंग और मैड डॉग का ही स्विच, तीनों चीज़ें मिला के और लेबर वेबर चार्जेस मिला के और हेला का जो हॉर्न लगवाया मैंने वो सब मिला के मेरे को 10,000 रुपीज़ में हो गया। तो ओवरऑल जो प्राइस है काफ़ी सही पड़ गया। और अपने को अभी ये सीन है कि नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए टेंशन नहीं है, अभी फॉग होगा चाहे रात में राइड करना पड़ेगा, वी आर ऑल सेट। तो मज़ा आ रहा है यार, मतलब बट आज राइड करने में मज़ा आ रहा है। ये लाइट वाइट अच्छी दिख रही है, इवन मैं ब्लैक वाइजर पूरा फुल लगा के बैठा हुआ हूँ, बट आगे का विजिबिलिटी अच्छा है। इसी के साथ कहते हैं आप लोगों से अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, जिससे कि मोटिवेशन मिलती रहे। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। दिस इज़ अ विकेट आयर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।